इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। कहर कोरोना का जारी है, पर शायद अवाम ने नजरअंदाज करना शुरू किया है। कल गणेश विसर्जन में भी इस बात का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ। बढ़ते पॉजिटिव मरीज होने के बावजूद भी सैकड़ों नौजवान गणेश विसर्जन में डीजे पर नाच रहे थे। खैर, आज भी पॉजिटिव मरीज की तादाद 500 के करीब रही तो 250 डिस्चार्ज भी हुए। हुकूमत ने शायद यह फैसला लिया हुआ है कि पॉजिटिव मरीज बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, पर अब तमाम पाबंदियां हटा दी जाएंगी। बसेस में अब ज्यादा सवारियों को बिठाने की इजाजत भी मिल चुकी है। बसेस में पहले सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कुछ फासले पर पैसेंजर्स बिठाए जाते थे, पर अब यह नहीं रहेगा। अब बस में तमाम सीटों पर पैसेंजर्स बिठाए जाएंगे। मरीजों की तादाद बढ़ रही है। 1 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट बेलगाम जिला में किया गया। कल सिर्फ एक ही दिन में 10,000 पॉजिटिव मरीज रियासत कर्नाटक में पाए गए। 113 लोगों की मौत हो गई है। बेलगाम जिले में पॉजिटिव मरीज तो पाए जा रहे हैं, पर मौतों के आंकड़े थोड़ा घटते दिखाई दे रहे हैं। बेलगाम शमशान में तकरीबन मैयतों को दहन किया जा रहा था, पर अब जहां कहीं भी मैयतें होंगी उसी इलाकों में दहन किया जाएगा। बेलगाम म्युनिसिपैलिटी में फिर 2 पॉजिटिव मरीज पाए गए। निजी अस्पतालों को लेकर अवाम की जानिब से कई शिकायतें दर्ज है, लिहाजा इसी के मद्देनजर कॉरपोरेशन की जानिब से निजी अस्पतालों की तफ्तीश जारी है। बढ़ती कोरोना कहर को देखते हुए आज बेलगाम कॉरपोरेशन की जानिब से तमाम वार्डों की मीटिंग तलब फरमाई गई थी। कोरोना पर काबू पाने के लिए 58 वार्डों के जिम्मेदार मुंतखब किए गए थे, जिन्हें आज मीटिंग के लिए तलब फरमाया गया। टाइगर गैंग का नाम वैसे बेलगाम वालों के लिए नया नहीं है, लिहाजा एक बार फिर टाइगर गैंग सरगर्म हुई है, जिन्हें गिरफ्तार कर कोका लगाया गया है। अब तक 9 अपराधों को गिरफ्तार किया गया है। वाजा रहे दंडू पाड़ा की नहज पर ये खूंखार मुजरिम बेरहमी से कत्ल किया करते थे। पैसे तकरीबन 13 जगहों पर छापे मार कर पैसे हथियार स्पेशल टास्क फोर्स ने बरामद किए। 15 साल पहले यह गैंग 2006 में सरगर्म थी, फिर इनमें इख्तलाफ हुआ। इनकी यह भी दास्तान है कि मजहबी तासुब के चलते इन्होंने अब्दुल गफ्फार कलईगार, जिन्हें अरब चाचा कहा जाता था, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर थे, इन्हें ऑटो के साथ जलाया गया था। ये वही टाइगर गैंग है जिन्होंने हुबली ब्रिज के नीचे बम धमाका करना चाहा था। हुबली कोर्ट धमाका भी इन्हीं टाइगर गैंग ने किया था, जिसका इल्जाम बेलगाम के बेगुनाह पर लगाकर हिरासत में लिया गया था। तहकीक के बाद उन नौजवानों को रिहा किया गया। इनके हिंदुत्व तंजीमों के साथ तार जुड़े होने की खबर है, जिसका पर्दाफाश होने के डर से जेल में इसके सरगना नागराज जंबगी का जेल में ही कत्ल किया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि नागराज जंबगी डॉन बनने का ख्वाब देख रहा था। टाइगर गैंग 2 हिस्सों में तकसीम हुई, एक बागलकोट और दूसरी बेलगाम गोकाक में सरगर्म रही। एक बार फिर इस गैंग की दहशत अवाम में देखी जा रही। अवाम की जानिब से यह मुतालबा है कि जल्द इनके तमाम अफरादों को गिरफ्तार कर गैंग को खत्म किया जाए। स्पेशल टास्क फोर्स ने 30 लाख रुपए, कई पिस्तौल, जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दीपक श्रीकांत इंगलगी का हाल ही में इन्होंने कत्ल किया था, जिसकी तहकीक टाइगर गैंग पर जा रुकी और जुर्म के गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जिसके लिए बेलगाम पुलिस को मुबारकबाद। पिरनवाड़ी का तनाजा अभी भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा, लिहाजा मराठी लोगों की जानिब से छत्रपति शिवाजी चौक का बड़ा बोर्ड यहां बिठाया गया, पर इस बोर्ड पर एतराज करते हुए कन्नड़ रक्षण वेदिके ने इसे हटाने की मांग की और कहा है कि इस बोर्ड पर दूसरे नंबर पर कन्नड़ अल्फाजों को लिखकर इसकी तौहीन की गई है। कन्नड़ रक्षण वेदिके ने पिरनवाड़ी पंचों को अपना मुतालबा पेश करते हुए कहा कि जब कन्नड़ जबान बोलने वाले गांव में 60% से भी ज्यादा लोग हैं, तो मराठी को पहले नंबर पर क्यों रखा गया। वाजह रहे कि पिरनवाड़ी चौक में संगोली रायन्ना का पुतला बिठाया गया था और इसे क्रांतिवीर संगोली रायन्ना चौक कहा जाए, ऐसा मुतालबा बार बार कन्नड़ तंजीमों की जानिब से किया गया था। यहां तक कि आखिर मामला जिला वजीर रमेश जारकीहोली तक जाकर पहुंचा और इस पुतले की हिमायत एक तरह से रमेश जारकीहोली की जानिब से भी की गई, क्योंकि इस पर फूल मालाएं भी चढ़ाई गई। आखिरकार दोनों पुतले आमने सामने खड़े हैं और अब शिवाजी चौक का बड़ा बोर्ड बिठाया गया, तो इस पर भी कन्नड़ तंजीमों की जानिब से एतराज किया जा रहा है। क्या संगोली रायन्ना
शिवाजी महाराज तनाजा थमेगा या नहीं, ऐसा सवाल बेलगाम वालों की जानिब से किया जा रहा है। मार्केट पुलिस थाने के अफसर एसीपी नारायण बर्मनी साहब का तबादला हो गया है। बेलगाम में काफी दिनों से इन्होंने अपने खिदमात को अंजाम दिए। एसीपी नारायण बर्मनी साहब को सभी समाज के लोगों में खासी मकबूलियत हासिल थी। इनके जगह पर सदाशिव कट्टीमणि बतौर मार्केट एसीपी के अहदे पर फाइज रहेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।